हेलो गाइस, इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के अलग अलग सेविंग अकाउंट्स को और समझेंगे उज्जीवन बैंक सेविंग अकाउंट्स के फीचर और स्पेसिफिकेशंस को। उज्जीवन बैंक में 8 किस्म के सेविंग अकाउंट्स हैं। नंबर 1 है प्रिविलेज सेविंग अकाउंट, नंबर 2 है मैक्सिमा सेविंग्स अकाउंट, नंबर 3 है डिजिटल सेविंग्स अकाउंट, नंबर 4 है सीनियर सिटीजन सेविंग्स अकाउंट, नंबर 5 है माइनर सेविंग अकाउंट, नंबर 6 है रेगुलर सेविंग अकाउंट, नंबर 7 है गरिमा सेविंग्स अकाउंट, नंबर 8 है क्लासिक सेविंग्स अकाउंट। नंबर 1 प्रिविलेज सेविंग अकाउंट में बहुत सारे बेनिफिट यानी के वैल्यू फॉर मनी मिलेगा। इस अकाउंट के लिए एलिजिबिलिटी इस प्रकार से है, इस अकाउंट में आपको मंथली एवरेज बैलेंस रखना होगा कम से कम 25,000 रुपये, या फिर आपको 10,000 का सिंगल RD कम से कम 12 महीने के लिए लेना होगा, या फिर आपको 5 लाख से ऊपर FD रखनी होगी, या फिर आपका मंथली सैलरी इस अकाउंट में 30,000 रुपये से ऊपर आता हो। इस अकाउंट के फीचर्स इस प्रकार से हैं, आपको फ्री रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड मिलेगा, आप फ्री अनलिमिटेड फंड ट्रांसफर कर सकते हैं इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग से, आप एक दिन में ATM से 1 लाख रुपए तक निकाल सकते हो, आपको किसी भी ATM से अनलिमिटेड फ्री ट्रांजेक्शन मिलेगा, 25 पन्नों का चेकबुक 3 महीनों में फ्री मिलेगा, 3 महीनों में एक बार डोमेस्टिक एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का लॉज एक्सेस फ्री होगा, नॉन होम ब्रांच में कोई भी एडिशनल चार्जेस नहीं लगेगा, 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस फ्री मिलेगा। इसके अलावा आपको ऑनलाइन शॉपिंग के बहुत सारे ऑफर मिलेंगे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर फ्री SMS फैसिलिटी मिलेगा, आपको फैसिलिटी मिलेगा NEFT, IMPS और RTGS का, आप अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो ब्रांच में जाके 24/7 कस्टमर केयर के द्वारा इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग से या फिर ATM के द्वारा। इस अकाउंट में इंटरेस्ट डेली बेसिस पर मिलेगा और 3 महीनों में आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। नंबर 2 मैक्सिमा सेविंग्स अकाउंट के बेनिफिट और फीचर इस प्रकार से हैं, आप बैंक की किसी भी ब्रांच से अनलिमिटेड कैश डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हो, अनलिमिटेड ATM ट्रांजेक्शन मिलेगा, आपको फ्री NEFT, RTGS और IMPS फैसिलिटी मिलेगा, आपको फ्री चेकबुक और DD का फैसिलिटी मिलेगा, ATM से 2.5 लाख रुपए तक विड्रॉल का फैसिलिटी मिलेगा, आप 5 लाख रुपए तक का POS या फिर ई कॉमर्स शॉपिंग कर सकते हो, 3 महीने में 2 बार कम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लॉज एक्सेस मिलेगा, 10 लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंट और टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी कवर मिलेगा। इस अकाउंट के साथ आपको रुपए का डेबिट कार्ड मिलेगा। इस अकाउंट में आपको मर्चेंट्स के एक्सक्लूसिव ऑफर भी मिलेंगे। नंबर 3 डिजिटल सेविंग्स अकाउंट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस प्रकार से है, आपका एज 18 साल से ऊपर होना जरूरी है और आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना जरूरी है, आपके आधार कार्ड का मोबाइल नंबर द्वारा OTP वेरिफिकेशन होगा, आपका किसी और बैंक में पार्शियल KYC सेविंग अकाउंट ना हो, यह अकाउंट आपका इंस्टेंटली ओपन हो जाएगा। पहले साल के लिए फ्री डेबिट कार्ड का फैसिलिटी मिलेगा, फ्री SMS अलर्ट का फैसिलिटी मिलेगा, किसी भी बैंक के ATM पर 5 फ्री ट्रांजैक्शन ले सकते हो, आपको 9 रीजनल लैंग्वेज में मोबाइल बैंकिंग का फैसिलिटी मिलेगा। नंबर 4 है सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट, जिसके फीचर इस प्रकार से हैं, ब्रांच में आपको स्पेशल असिस्टेंट और डेडिकेटेड सीनियर सिटीजन डेस्क का फैसिलिटी मिलेगा, किसी भी ब्रांच में आपको लाइन में नहीं लगना होगा, आपको प्रायोरिटी सर्विस मिलेगा, 3 महीने में आपको 25 पन्नों का फ्री चेकबुक मिलेगा, कोई भी मिनिमम बैलेंस नहीं रखना होगा, नॉन होम ब्रांच पर कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा, SMS अलर्ट फैसिलिटी फ्री मिलेगा, फ्री क्वार्टरली स्टेटमेंट मिलेगी, आपको फ्री NEFT, RTGS और IMPS फैसिलिटी मिलेगी। इस अकाउंट में सीनियर सिटीजन को 25,000 रुपये तक का फैसिलिटी डोर स्टेप पर मिलेगा। नंबर 5 है माइनर यानी के बच्चों के लिए सेविंग्स अकाउंट, इस अकाउंट के फीचर्स इस प्रकार से हैं, कोई भी एवरेज मंथली बैलेंस नहीं रखना होगा, यह अकाउंट माता पिता को बच्चों के साथ ज्वाइंट में खोलना होगा, 18 साल की उम्र होने तक बच्चों के माता पिता इस अकाउंट को ऑपरेट करेंगे, 18 साल के बाद बच्चों के नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा, 10 साल से ऊपर के बच्चे डेबिट कार्ड का फैसिलिटी भी ले सकते हैं, SMS अलर्ट का फैसिलिटी मिलेगा, ईमेल एड्रेस पर फ्री क्वार्टरली स्टेटमेंट मिलेगा, NEFT, RTGS, IMPS फैसिलिटी चार्जेबल हैं, किसी भी ATM पर 1 महीने में 5 ट्रांजेक्शन फ्री मिलेगा। नंबर 6 है रेगुलर सेविंग्स अकाउंट, इस अकाउंट में आपको कम से कम 1,000 रुपये तक का मंथली एवरेज बैलेंस रखना होगा, इस अकाउंट में रुपए का क्लासिक डेबिट कार्ड मिलेगा, नॉन होम ब्रांच पर कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा, SMS अलर्ट फैसिलिटी मिलेगा, ईमेल पर फ्री क्वार्टरली स्टेटमेंट मिलेगा, NEFT, RTGS, IMPS सर्विसेज स्टैंडर्ड चार्जेबल है, किसी भी ATM पर 1 महीने में 5 ट्रांजेक्शन फ्री मिलेगा, फ्री नेट बैंकिंग फैसिलिटी है, फ्री मोबाइल बैंकिंग ऐप है। नंबर 7 है वुमेन के लिए डेडिकेटेड गरिमा सेविंग अकाउंट, इस अकाउंट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस प्रकार से है, 5,000 रुपये का मंथली एवरेज बैलेंस रखना होगा, या फिर 2 लाख रुपये की कम से कम 12 महीने के लिए FD रखनी होगी, या फिर 5,000 रुपये का 12 महीने के लिए रेकरिंग डिपॉजिट ओपन करवाना होगा। इस अकाउंट के साथ आप अपने बच्चों का माइनर अकाउंट भी लिंक करवा सकते हो। इस अकाउंट के लिए महिलाओं का एज 18 से 59 साल होना जरूरी है।
इस अकाउंट के फीचर्स इस प्रकार से हैं। फ्री रुपए का क्लासिक डेबिट कार्ड मिलेगा, 3 महीनों में एक बार 10 पेज का चेकबुक फ्री मिलेगा, 1 महीने में 2 लाख रुपए तक के 5 डिमांड ड्राफ्ट फ्री बनवा सकते हो, मोबाइल नंबर पर फ्री SMS अलर्ट का फैसिलिटी मिलेगा, फ्री NEFT RTGS का फैसिलिटी मिलेगा, लेकिन IMPS फैसिलिटी के चार्जेस लगेंगे। नंबर 8 है क्लासिक सेविंग्स अकाउंट। इस अकाउंट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस प्रकार से है, अकाउंट में कम से कम 5,000 रुपए रखना होगा, आप भारतीय नागरिक हो और आपका एज 18 साल से ऊपर हो। इस अकाउंट में आपको 5 लाख से ऊपर 7.5% तक का इंटरेस्ट मिल सकता है। ब्रांच में 3.5 लाख रुपए तक फ्री कैश डिपॉजिट करवा सकते हो। आप फ्री में रुपए का क्लासिक डेबिट या फिर प्लेटिनम डेबिट कार्ड ले सकते हो। 3 महीने में 10 पेज का चेकबुक फ्री मिलेगा। किसी भी ATM से 50,000 रुपए तक डेली विड्रॉ कर सकते हो। फ्री NEFT ट्रांजेक्शन मिलेगी। RTGS, IMPS और DD के चार्जेस लगेंगे और फ्री नेट बैंकिंग फैसिलिटी मिलेगा। उज्जीवन बैंक द्वारा सेविंग्स अकाउंट पर इंटरेस्ट रेट समय समय पे चेंज किया जाता है। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन डेली बेसिस पे होता है और 3 महीने में एक बार इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। लेटेस्ट इंटरेस्ट के लिए आप बैंक वेबसाइट विजिट कर सकते हो। सेविंग्स अकाउंट संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या के हल के लिए या फिर और जानकारी के लिए आप उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक कस्टमर केयर टोल फ्री नंबर 1800208 2121 के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। प्लीज़ आप कमेंट में बताएं उज्जीवन बैंक के सभी सेविंग्स अकाउंट के फीचर आपको कैसे लगे हैं, आपका एक्सपीरियंस उज्जीवन बैंक के साथ कैसा रहा है। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। प्लीज़ औरों की जैसी गलती आप ना करें। सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन वाले बेल को ऑल पे टिक जरूर करें। थैंक यू।